प्लॉट फिल्म का ओपनिंग सीन हसीना श्रद्धा कपूर के साथ शुरू होता है, जिसमें हसीना को मुंबई सेशन कोर्ट से भाई दाऊद इब्राहिम सिद्धांत कपूर के साथ जबरन वसूली में शामिल होने के लिए समन मिलता है। बिल्कुल भरे भरे गालों के साथ हसीना बोलती है, मैं हूँ हसीना पारकर। फिल्म अतीत और वर्तमान दोनों को दिखाती है और हम दाऊद कैसे धीरे धीरे गैंगस्टर बनता है और इसका प्रभाव उसके परिवार खासकर बहन पर पड़ता है। हसीना के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल है। उनकी अपने विद्रोही बेटे से बिल्कुल भी बनती, जो धीरे धीरे क्राइम किंग बन जाता है। इन सब के बीच हसीना अपने पति इस्माइल अंकुर भाटिया के साथ काफी खुश है, जिसका शाकाहारी रेस्तरां भी है। प्लॉट दुश्मन पठान गैंग से सबीर द्वारा मारे जाने के बाद दाऊद भी बदला लेता है और जब पुलिस उसे और अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसना चाहती है तो वो देश छोड़कर चला जाता है। जल्द ही हसीना के पति इस्माइल को भी दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। पति की मौत और भाई की अनुपस्थिति में हसीना पूरा बिजनेस संभालती है और आपा बन जाती है। फिल्म का बाकी प्लॉट यही दिखाता है कि क्या हसीना वाकई शातिर है या फिर समय उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्शन अपूर्व लाखिया का कोट अरुण ड्रामे को फिल्म में ठीक से पेश नहीं किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की सबसे कंट्रोवर्सियल महिला को फिल्म में इस तरह से दिखाया गया है कि आपको उससे हमदर्दी हो कि उसे दाऊद इब्राहिम की बहन होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिल्म का कमजोर स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी इसे कमजोर फिल्म बनाता है। परफॉर्मेंस श्रद्धा कपूर ने भले फिल्म में पूरी ईमानदारी दिखाई हो, लेकिन फिल्म में उन्हें कास्ट ही नहीं करना चाहिए था, खासकर बड़ी और परिपक्व हसीना के लिए। ऐसा लगता है मानो वो अपने मुंह में रसगुल्ला लेकर डायलॉग बोल रही हो। शादी की रात भी उन्होंने प्ले कॉय सीन में काफी अजीबोगरीब एक सेपरेशन दिए हैं। एक सीन में चाल की नल के पास वो लड़ाई कर रही होती और बिल नहीं जमा करने पर गुंडों की क्लास लगाती हैं, तो अगले सीन में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है और तो और मेकर्स उनके बैठने वाली जगह का लो एंगल शॉट दिखा देते हैं। सिद्धांत कपूर भी दाऊद इब्राहिम के रोल में स्क्रीन पर अधिक नहीं दिखे और ऐसा लगता है जैसे दाऊद के किरदार का मजाक उड़ाया गया हो। अंकुर भाटिया भी इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। तकनीकी पक्ष फहसत खान की सिनेमेटोग्राफी भी एवरेज है। फिल्म का नरेशन भी काफी धीमा है। फिल्म के कोर्ट सीन देखकर भी आपको हंसी आएगी। म्यूजिक हसीना में म्यूजिक भी कुछ खास कमाल का नहीं है। फिल्म का सैड सॉन्ग तेरे बिना काफी अच्छा है। वर्डिक्ट फिल्म के एक सीन में श्रद्धा कपूर कहती हैं कि आप याद रह गया ना, नाम याद रखने की जरूरत नहीं। बदकिस्मती से इस फिल्म में याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। फिल्म को नहीं देखने में आपको कोई नुकसान नहीं है।